नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला पत्रकार हल्दीराम के आउटलेट में पहुंचकर हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू में लिखे होने को लेकर हंगामा कर रही है, जबकि पैकेट में उर्दू के बजाय अरबी में लिखा हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पत्रकार हल्दीराम के आउटलेट में अपने हाथ में एक नमकीन की पैकेट लेकर वहां की कर्मचारी से सवाल करती है कि व्रत के पैकेट में उर्दू में क्यों लिखा गया है। महिला कर्मचारी की ओर से जवाब दिया जाता है कि यहां पर कई कम्युनिटी के लोग आते हैं, इसलिए हम उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं। दौरान पत्रकार और कर्मचारी में जमकर बहस होती है। आपको बता दें कि पत्रकार द्वारा कर्मचारी से बार बार पूछा जाता है कि कहीं इस नमकीन में जानवर के तेल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। एक ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को शेयर कर कमेंट किया कि हल्दीराम के आउटलेट में घुसकर सुदर्शन न्यूज की गुंडागर्दी, यकीन मानिए ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। एक पत्रकार ने इस घटना को लेकर पतंजलि के घी के डिब्बे की तस्वीर शेयर कर लिखा, यह अंग्रेजी के नीचे उर्दू में क्यों लिखा है, ऐसा क्या छुपा रहा है पतंजलि। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। धन्यवाद।